हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो कैसे हो आप सभी लोग, आपका फिर से प्रो मैक्स मोटर्स में स्वागत है। और आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ और यहाँ पे वेलकम बैक टू आवर न्यू सुप्रा। तो आज हम फिर से अपनी सुप्रा को लेकर के आ चुके हैं, जो कि मैंने इससे पहले मजबूरी में बेच दिया था, बट अब नहीं, अब ये अपना पर्सनल कार है। अभी हमारे पास देख सकते हो 5.2 मिलियन डॉलर है और आज देख सकते हो ऑक्शन भी चालू हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्स, बहुत सारी व्हीकल्स जो है खरीदे, बहुत सारी सुपर कार्स भी खरीदे, फरारी खरीदे, ऑडी आर रेड, सुप्रा, बहुत सारी कार्स, मतलब फोर्ड मस्टैंग भी मैंने खरीद के उसे बेच दिए, बट अभी तक हमने एक भी इस गेम में रेयर कार नहीं खरीदी। तो क्या आज अपना किस्मत काम देगा उससे? वेलकम बैक टू प्रो मैक्स मोटर्स गाइस। देख सकते हो ये अपना शोरूम, जिसे मैंने पिछले एपिसोड में, ओह नो, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सब भी ठीक। फिलहाल के लिए ना अभी हम चलते हैं, पहले वहां देख सकते हो ऑक्शन बिल्डिंग चलते हैं और वहां पर से पीछे से देखते हैं कि क्या हमें आज रेयर कार देखने को मिलने वाली है या नहीं देखने को मिलने वाली है। तो पहले मैं कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो ये अपना पहला, देख सकते हो ये शायद कोई स्कोडा की कार है, दूसरी नॉर्मल कार है, कोई नहीं, और तीसरी, वेट, ओ भाई लग गई अपने, ये एक माज़दा है और ये एक रेयर कार है। तो गाइज क्या ही किस्मत आज अपना है, मतलब देख सकते हो स्टार्टिंग में हम लोगों ने आया है वीडियो बनाने और हमें यहाँ पे माज़दा आज देखने को मिल जाती। तो आज जितना पैसा खर्च करने को होगा आज हम खर्च करेंगे। और अभी देख सकते हो यहाँ पे 3:30 ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं और 5 बजे ऑक्शन है। अभी तो हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हम इसका वेट कर लेंगे, चलेगा, लेट नहीं होना मांगता है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो रडार राज स्टेशन वैगन, क्या ही नाम है लंबा चौड़ा। इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो इंटरेस्ट बस माज़दा में। ओ तो ये इतना जल्दी बिक भी गया और ये रहा अपना माज़दा। तो देख सकते हो इसका स्टार्टिंग प्राइस 3.5 लाख है और देख सकते हो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बट मैं ना सोच रहा हूँ कि एक बार में 28,000 का बेट लगा दिया जाए। चलो सोचना ही क्या जब लेना ही है। तो ये अपना, ओ भाई ये तो अपना एक टाइम में हो गया भाई, क्या ही जबरदस्त, आज का फीलिंग क्या ही मस्त है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो किस तरह का लग रहा है और ये सीरीज कैसा लग रहा है। और हाँ एक चीज़ और, हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने का कमेंट उतना, मतलब कुछ कुछ का तो कमेंट आया, बट आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। और इसके अलावा आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, अगर आपके मन में या आपको मुझसे कुछ चैलेंज करवाना हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये मतलब डैश, अरे कहना क्या चाहते हो, जस्ट कुछ चैलेंज करना है तो मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं आपके चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। तो आज देख तो इसमें ना मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, कुछ चेंजेस करने वाला तो नहीं बट कुछ ऐड करने वाला हूँ, जिससे कि मुझे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि, बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। फिलहाल के लिए ना पहले मैं अपने माज़दा को रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ करने वाला हूँ। और फिलहाल के लिए अभी देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब अब अंधेरा ही होने वाला है, तो पहले माज़दा आ जाती है उसके बाद ही हम कुछ करते हैं। ऑल राइट यारो, ऑल राइट ब्रो, भाई देख सकते हो ये अपनी है फर्स्ट रेयर कार, कार फॉर सेल सिमुलेटर की। और अभी ना हम लोगों ने तो इतना बड़ा मतलब बना ही लिया है शोरूम, बट अभी देख सकते हो ये क्या तगड़ी लग रही है। अभी एक काम करते हैं, अभी हम इसे, वाओ व्हाट अ साउंड गाइस, व्हाट अ साउंड, प्यार हो जाएगा इस साउंड से। बट इसमें मेरे को लगता है इसमें ड्रिफ्ट किट लगा हुआ है, इसलिए फिलहाल के लिए ना पहले मैं अभी इसे अंदर रख देता हूँ, क्योंकि क्या पता चोरी चकारी हो जाए। तो मैं इसे यहाँ कॉरिडोर में रख देता हूँ, अपने शोरूम के कॉरिडोर में, और यहीं पर से हम सीधे चलते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज देख सकते हो सुबह हो चुकी है और ये देख सकते हो अपनी सुप्रा येलो कलर में क्या ही लगती है। बाकी हाँ ये जो बीच बीच में स्क्रीन फ्रीज हो जाता है ना, इस पर मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड खराब होता है। फिलहाल के लिए ना अभी अपना मेन फोकस है
कि अपनी जो कल हम लोगों ने कल जो माजदा ऑक्शन में खरीदे हैं, देख सकते हो आज भी ऑक्शन चालू है। क्या हमें आज भी कोई तगड़ी कार, मतलब कोई रेयर कार देखने को मिलेगी? उससे पहले ना मैं देख लेता हूँ कि ड्रैग रेस में कौन कौन सी कार आई हुई है। और ओ तेरी, ओ भाई क्या ही किस्मत है यार, देख सकते हो मतलब हमने कल खरीदा माजदा और आज देख सकते हो रेस में आ चुकी है। इसका मतलब ऑल राइट, तो यहाँ पे ना ये निसान जीटीआर भी आ चुकी है। उससे पहले ना हम एक काम करते हैं कि अगर मैं अभी सबसे पहले अगर मैं ड्रैग रेस कर लेता हूँ ना, तो उस ड्रैग रेस करने से क्या होता है कि दिन जो है चेंज हो जाता है, तो गाड़ी भी चेंज हो जाती है। तो इससे पहले मैं ना ऑक्शन में जाके चेक कर लेता हूँ कि ऑक्शन में कोई रेयर कार तो नहीं है। अगर ऑक्शन में रेयर कार आई होगी तो पहले हम ऑक्शन से रेयर कार ले लेंगे, उसके बाद ही हम इधर आकर के ड्रैग रेस करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ना पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑक्शन में कोई रेयर कार आई है भी कि नहीं आई है। क्या ही किस्मत है गाइस, क्या ही किस्मत है। ओके एक पोर्शे है, तो पोर्शे पे भी हम अपना दिमाग नहीं लगाने वाले। एक मिनट, ये कौन गाड़ी है? नहीं कोई घटिया गाड़ी है। तो चलो गाइस, क्या ही किस्मत है आज अपनी, मतलब एक उतना दिन से हम लोग खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था, मिला भी तो एक दिन में दो दो, क्या ही बात है। तो चलो सबसे पहले ना अभी हम एक काम करते हैं, अपनी जो माजदा है पहले मैं इसको ना फुल मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे तगड़ी। अरे इधर ये बंद है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब चलता है गाइस। एक मिनट मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि कहीं ये डैमेज वगैरह तो नहीं है। ऑल राइट गाइस, काहे लेकिन काहे का ये टेंशन, काहे का कोई पेंशन, अरे सब बेकार है, रेयर कार के सामने ना सब बेकार है। तो चलो ये कोई डैमेज वगैरह नहीं, तो अभी हम ना इसे फुल ट्यून करवाने वाले, फुल मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं। और फिलहाल के लिए पहले मैं इसका ओके, तो यहाँ देख सकते हो यार इतनी तगड़ी कार में सड़ी हुई व्हील कौन लगाता है यार, कोई जरूर कोई चिंदी चोर वाला होगा। ओके तो इसमें ऑलरेडी रेसिंग किट लगा हुआ है और एनओएस भी लगा हुआ है इसमें, तो ज़्यादा हमें खर्च नहीं पड़ने वाला, बट हम ना इसमें व्हील तगड़ी वाली लगाएंगे। एक ये व्हील है, व्हील है, और देखते हैं कौन सा ज़्यादा तगड़ा लगता है। नहीं ये मेरे को उतना खास नहीं लग रहा। चलो अभी ना हम इसे ये वाला रखते हैं, ये BMW वाला है, कहता ही जहर वाला है। तो अभी ना सस्पेंशन देख लेते हैं। ओके तो ये ज़मीन में चिपकी हुई है और हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, यू नो दैट, समझते हो ना आप लोग? हाँ तो फिलहाल के लिए ना पहले मैं अपना प्लेट, ये चीज़ तो मैं बहुत दिन से करना चाह रहा था, इस पर मैं अपना नाम डालने वाला हूँ। चलो ये अपना हो गया और यहाँ पे मैं इसे पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट अपना सब चीज़ हो चुका है। क्या तगड़ी लग रही है येलो कार में, ये तो कुछ ज़्यादा ही औसम लग रही है यार, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना दिया। कोई बात नहीं ना, मैं अपनी कार को धुलवा लेता हूँ। चल बे लौंडे जल्दी से उसको धो ले। ओके ओके बट गाइस मेरा दिल ना, मेरा दिल ये देख तो ये है अपना प्यार निसान GTR, क्या ही राइम बनाया। बट कोई नहीं, एक दिन इसे हम भी जरूर खरीदने वाले हैं। बट ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर कार है, ये तो माजदा से भी ज़्यादा रेयर कार है, एक बार भी देखने को नहीं मिला है, बस ये ड्रैग रेस में बहुत बार मुझे देखने को मिला। चलो बेट कार यार, लेट्स गो ब्रो, क्या ही बात है। बस हारना नहीं है हम लोगों को, बस ये मैं प्रे करता हूँ और बी कॉन्फिडेंट रहते हैं। चलो अपनी ना माजदा आ चुकी है ट्रैक पे, बस हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं। के वाओ, दूसरा मैंने मार दिया, तीसरा भी, बहुत पीछे, वो बहुत पीछे, लेट्स गो, जीत गए हम लोग माजदा। एक और फ्री में हम लोग ने माजदा जीत लिया और अब हमारे पास दो दो रेयर कार है। लेट्स गो ब्रो, देख सकते हो अपने पास क्या ही किस्मत है यार। देखो एक हमें मतलब एक हमें मिल नहीं रही थी और आज अपने पास एक वीडियो में, वो भी वीडियो के स्टार्टिंग में अपने पास दो रेयर कार है, क्या ही किस्मत लेकर के आया हूँ मैं। सस्पेंशन हमें इसका कम करवाना है, सस्पेंशन हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं गाइस, सस्पेंशन देखते हैं कितना। ओके तो सस्पेंशन बहुत ऊपर है। चलो गाइस चलो 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 ब्रो, ऊपर जा ब्रो जल्दी से, अभी अभी हम ना अभी हम भी इसे लगा देते हैं।
भाई तो चलो, अपने पास ना अभी दो रेयर कार हो चुकी है और मैं आपको कुछ बोल रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम अभी उठ चुके हैं और आज कार मार्केट ओपन है। मुझे अपने गैरेज में कुछ तो काम, मतलब कुछ चेंजेस करने थे, कुछ ऐड करने थे, बट अभी देख सकते हो अपनी सुप्रा थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, तो अभी हम पहले जल्दी से इसे साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कार मार्केट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा शोरूम बना तो लिया बट उस पे रखने के लिए कोई कार ही अपने पास नहीं है। हाँ हाँ पता है कि अभी हम लोगों ने दो रेयर कार भी ले ली है बट दो कार से तो कुछ होने वाला है नहीं। अभी हम सीधे चलते हैं कार मार्केट और कार मार्केट में देखते हैं कौन कौन सी है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी लग्जरी सुपर कार, स्पोर्ट्स कार जितनी भी है, अभी मैं सबकी कम से कम एक एक मॉडल तो कलेक्शन में रखने वाला हूँ, जिससे अपना फायदा कुछ ये होगा, अगर ड्रैग रेस में उसमें से कोई भी कार आएगा तो मैं उसे कार बेड में जीत करके आराम से जीत लूंगा और वो फ्री फंड में अपने पास आ जाएगा। ओके, स्वागत देख सकते हो, स्वागत किस तरह से हुआ है अपना। मतलब एक ऑडी R8 है और ये दूसरी ऑडी R8 है, मतलब दो दो ऑडी R8। अभी हम आज किसी को सेल करने वाले नहीं है इस वीडियो में, आज हम सिर्फ कलेक्शन करेंगे, सबको कलेक्ट करेंगे। तो पहले ना अभी देख सकते हो, ये अभी मुझे दो ऑडी तो समझ में आ रही कि ये हम ले ही सकते हैं आराम से, बहुत पैसे अपने पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। 4,84,000 ये ऑफर कर रही है, मैं इसे ऑफर करता हूँ डायरेक्ट 4 लाख, नो झंझट। देखो अच्छा खासा भाव में दे रहा हूँ, बढ़िया दे दे तू मुझे जल्दी से। चलो ओके, तो बढ़िया समझदार है यार, बढ़िया, कोई पता है कि भाव किस तरह से होते हैं। तो चलो अभी मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये डैमेज, ओके तो ये डैमेज है, तो पहले हम इसे गैरेज भेज देते हैं रिपेयर सेंटर पे। और ये वाला भी ऑडी देख सकते, तू म्यूजिक इतने मायूस क्यों है, तेरे नहीं जल रहे क्या इसके? ओ गाइस, तो लगता है शायद इसका बिक नहीं रहा, तो इसे भी हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें कम करवाता हूँ, 3,95,000 का मैं इसे ऑफर देता हूँ भाई, मान ले दे ही देगा तू। ओके तो ये भी दे दिया, लगता है आती अलग है, ये भी डैमेज है बट कोई नहीं, एक बार में सकते हो, एक बार में भाव देने पर कौन बंदा नहीं देगा आराम से। ये मुझे BMW, ओके ये BMW M3 है, इसका भी हमें प्राइस इससे डबल तो मिल ही जाता है, तो ये भी हम ले ही लेते हैं। ओ डिम डिम बूम, ओके तो ये रैपर है, MC Stand का चिल हो जाए क्या भाई? नहीं, ये ऑलमोस्ट 40,000 हमें ऑफर कर रहा है, मैं इसे ऑफर करता हूँ 30,000 का, मान जाएगा, मान जाएगा भाई, इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ क्या? ओके ये थोड़ा ना पैसा खाओ का थोड़ा लालची इंसान है, तो मैं इसे थोड़ा का ऑफर देता हूँ ब्रो के। अरे ऐसे बंदे मानते हैं भाई ऐसे। हम पहले सीधा चलते हैं, हम सीधा चलते हैं अपने शोरूम और वहां पे जो मुझे सब चेंजेस करना है अपने शोरूम। आप बाकी यहाँ से देख सकते हो शोरूम क्या ही तगड़ा लगता है देखने में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें क्या चेंजेस करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछला वीडियो में जो मैंने इसका जो कंस्ट्रक्ट किया था, मैंने इसे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो जिग जैग डिज़ाइन है, मतलब एक फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा सेकंड फ्लोर पे, इसमें ना मुझे मतलब दूर से देखने पे खाली खाली पन सा लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ ना रेलिंग टाइप पे दे दूँ, जिससे कि थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगा कि किस तरह से लग रहा है दिखने में, उसके बाद ही हम पूरा फाइनल इसको करने वाले हैं। तो पहले इसे मैं जल्दी जल्दी एक यहाँ पे दे देता हूँ, ऑल राइट। तो अभी ना मैंने इसे यहाँ पे दिया तो है सामने से, बट देखते हैं कैसा लग रहा है, तगड़ी लग रही है गाइस, तगड़ी लग रही है। एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना, इसे यहाँ पे ये रख करके हम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जितने भी प्लांट्स है फ्लावर्स के, मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा, ये और भी ज़्यादा तगड़ा लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताने वाला था। तो देख सकते हो अब ये कुछ इस तरह का हमें देखने को लगने वाला, मतलब लग रहा है, और मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा है, बट आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके हिसाब से चेंज करने का कोशिश करूँगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं इसे इतना पे ही रखता हूँ, ये मुझे अभी कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और क्या मुझे ऊपर भी वो प्लांट डालना चाहिए? बट कोई नहीं, मैं उसे बाद में कर लूँगा, फिलहाल के लिए अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरे पास अनपेड बिल है, अभी तो देख सकते हो कुछ अभी बस बस खर्चे ही हो रहे भाई, बस खर्चे हो रहे हैं और कुछ तो हो नहीं रहे। देखते कितना 25,000 ज़्यादा, चलो ठीक है ज़्यादा नहीं है। और अभी अपने पास दो माजदा है, दो ऑडी R8 है और एक ये मर्सिडीज़ की है। अभी ना मेरे पास स्किल पॉइंट भी है, तो पहले चेक कर लेते हैं। ओके तो मेरे पास अभी दो स्किल पॉइंट है और यहाँ पे देख सकते हो तो रिपेयर स्पीड, हाँ ये हमें अपने पास मतलब अपना बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी मैं दूसरा और भी देख लेता हूँ,
फ्यूल प्राइस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास बहुत पैसा है। पेंटिंग प्राइस भी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्यूनिंग प्राइस ये सब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वॉश स्पीड ये तो मेरा बंदा ही वॉश कर देगा, तो अब हम गैस स्टेशन जो जाने वाले हैं ही नहीं। और दूसरा है रिपेयर प्राइस, तो चलो हाँ इस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा वॉश प्राइस, कोई बात नहीं। अभी ना हम ये रिपेयर स्पीड इसको अनलॉक कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि ये जितना भी ज़्यादा टाइम देखो तो कितना जल्दी हो चुका है अपना दोनों ऑडी आर एट। तो अभी ना फिलहाल हम दोनों को पहले बाहर निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे ना अपनी दोनों ऑडी हो चुकी है रेडी, देख सकते हो एक येलो एक रेड। तो अभी हम दोनों को यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, और ये जो अपनी तीसरी वाली कार है मर्सिडीज की, इसे भी हम जल्दी से मॉडिफाई और कलर वगैरह पेंट वगैरह इसमें करवा लेते हैं। तो चलो अभी ना हम अपने लिए लास्ट ऑडी है ये लास्ट ऑडी को ऊपर जल्दी से रखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑडी आर एट, दोनों ऑडी आर एट को यहाँ पे खड़ी की है। मुझे एक और आईडी ऑडी आर एट चाहिए जिससे मैं इस रैम पे भी उसे खड़ी कर सकूँ। उससे पहले ना अभी देख सकते हो यहाँ पे कार मार्केट फिर से ओपन है, तो अभी हम चलते हैं सीधा कार मार्केट और देखते हैं क्या हमें फिर से कोई ऑडी आर एट देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिल जाता है तो भाई अपने लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ हो जाएगी। अभी हम चलते हैं सीधा अपनी सुपरा को लेकर के, ये लगाया मैंने एनओएस। और वैसे कार मार्केट तो ज़्यादा दूर नहीं, बगल में ही है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या ऑडी आर एट हमें देखने को मिलती है। अगर ऑडी आर एट नहीं भी मिलेगी, ओके, तो एक सुपरा, ये क्या, नहीं सुपरा तो नहीं है, बट लेम्बोर्गिनी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेम्बोर्गिनी है, फियात है, पोर्शे है। चलो ये गाड़ी भी ना हम खरीद लेते हैं जल्दी से। पोर्शे तो पोर्शे भी ले लेते हैं, क्योंकि ड्रैग रेस में पोर्शे भी अपनी आ जाती है, तो फ्री में ड्रैग रेस जीतने का कोई अलग ही मज़ा होता है। तो इसका ना मैं प्राइस डायरेक्ट एक ही दाम देने वाला हूँ, 1,85,000 डॉलर। ओके, तो ये रैप वाली बंदी चलो हमें ये मिल चुका है। और अब हम चलते हैं अपने शोरूम जल्दी से। नहीं, सबसे पहले हम चलते हैं ड्रैग रेस सेंटर पे, देखते हैं कि आज कौन सी कार आई है। अगर आज फिर से एक माजा आई होगी तो अपने लिए तो तगड़ी बात हो जाएगी। ओ, मुझे कुछ दिखा मुझे कुछ। ऑल राइट, यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे अभी ये अभी लैम्बोर्गिनी आई हुई है। तो अभी जल्दी से हम अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर के आते हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि अब अभी मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी ही है और लैम्बोर्गिनी का रेस भी आ गया है, तो एक और लैम्बोर्गिनी हमें फ्री फोकट में जीतने को मिल जाएगा। तो जल्दी से पहले हम अपनी लैम्बोर्गिनी को ले लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे देख सकते हो हमने ना अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर के आ गए हैं, और यहाँ पे इसकी भी लैम्बोर्गिनी काफ़ी तगड़ी देखने को लग रही है। तो पहले चलो बात कर लेते हैं। ओके, तो बेड इस कार, तो इसके लैम्बोर्गिनी में टर्बो है, एनओएस है, ड्रिफ्ट किट भी है, और अपने इसमें भी है। बट चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। अरे ऑब्वियसली ऑफकोर्स हम ही जीतने वाले हैं, और कौन जीतेगा। चलो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं और देखते हैं कौन जीतने वाला है। लेट्स गो गाइज, इसकी तो मैं बैंड बजाने वाला हूँ पहले ही, मगर मैंने अभी लेट शिफ्ट कर दिया। बट इसकी भैंस की टांग, हार गए हम, अपनी किस्मत खराब है, और मैंने अपने दोस्त के चक्कर में अपना एक लैम्बोर्गिनी हार लिया। कोई नहीं, अपने पास पैसा बहुत भरा पड़ा है, हम दूसरी कार फिर से खरीद लेंगे। तो चलो गाइज, हम लोगों ने अपना यहाँ बड़े ही खुशी गम के साथ अपने लैम्बोर्गिनी को हार लिया है। बट कोई बात नहीं, अपने पास अभी भी 2.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 3 मिलियन डॉलर है, तो हम दूसरी भी गाड़ी खरीद लेंगे। फिलहाल के लिए ना आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज, जैसा कि आप मैंने आपको बताता हूँ, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि अगर आपको कोई चैलेंज देना है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो टिल देन, एक्सप्लोर माय चैनल, एक्सप्लोर माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।